आज कोई भी अपना मन खराब नहीं करेगा। लड्डू गोपाल जी के जन्मदिवस का जश्न मनाने के लिए आज पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज मेरा भाई सम्राट वापस आ गया है ना, अब हम सब लोग राधे खुशी एक साथ रहेंगे। ओके, अगदी बरोबर। चलिए, अब इस घर की बहू बाल गोपाल को पालने में रखेगी। अश्विनी वहिनी, हमारे घर में तो तीन तीन ऐसी जोड़ियां हैं जो कुछ सालों में सचमुच के लड्डू गोपाल ला सकती हैं। तो क्यों ना पत्र लेखा सई और करिश्मा ही आज बांके गोपाल जी की मूर्ति को पालने में रखे। हाँ, मस्त मस्त। देखा, लड्डू गोपाल जी का चमत्कार, आज तो शिवानी ने भी अच्छा सुझाव दे दिया। क्या वहिनी, आप सब इन सारी चीजों में मुझे क्यों शामिल करते हैं? आप सबको पता है ना, हमारी शादी शादी नहीं, सिर्फ समझौता है। सही, तो बार बार वही बात क्यों करती रहती है, वो भी पूरे परिवार के सामने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर। सुबह जब विराट ने कहा था कि वो अपनी ट्रांसफर कैंसिल नहीं कर सकता, तब तूने सम्राट से शिकायत क्यों लगाई थी कि अपनी बीवी को छोड़कर जाने में एक मिनट भी देर नहीं करते विराट सर? ओ बहनी, तब तेरी शादी समझौता नहीं थी। हाँ सही, तुमने ऐसा तो बोला था। वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। अब ऐसी बोला ना तो वैसी चुप भी रहना, ठीक है? घर के लोग जो बोल रहे वैसे करो ना सही। अरे लड्डू गोपाल की पूजा करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद ही मिलेगा। हाँ, और हमें एक नन्ना मुन्ना बाल गोपाल। शिवानी चुप। मेरा पति तो खुद बच्चों जैसी हरकतें करता है, मैं तो बाल गोपाल के बारे में सोच भी नहीं सकती। सोच भी नहीं करिश्मा, सोच ही नहीं सकती, क्योंकि सोचने के लिए थोड़े से ब्रेन दिमाग मस्तिष्क की जरूरत होती है, और वो तो तेरे पास है नहीं। वरना ऐसे पावन अवसर पर तू अपने पति को टॉन्ट नहीं करती। कप्पा। देखो तुम लोग, जो बहू मुझे सबसे पहले नन्हे गोपाल जी या नन्हे राधा जी का चेहरा दिखाएगी, उसे मैं असली मोती का हार दूंगी। वाओ वहिनी, आपने तो इनाम का लालच दे दिया। अब देखते हैं कि कौन सी बहू सबसे पहले ये इनाम पाती है। चलो चलो, तीनों आ जाओ, चलो जा। चला। संभाला। अरे, सई के हाथ में फूल पुष्प फ्लावर गिरा है। लगता है लड्डू गोपाल ने सई को आशीर्वाद दे दिया। देख रहा है वीरू? अब हम पूजा शुरू करते हैं। Oh,
हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। आपकी बात की जन्माष्टमी है ना सबसे अच्छी हुई, क्योंकि मेरे तीनों भाई मेरे साथ हैं। चलिए भाई, इस घर की राधा कृष्ण की तीन जोड़िया अब एक दूसरे को प्रसाद खिलाइए। लड्डू गोपाल जी, मेरी बीवी को सद्बुद्धि दीजिए कि इधर की बात उधर करना बंद करे। डांटो सुट्टो, मैं कोई इधर की बात उधर नहीं करती हूँ। और तुमने, अरे तुम दोनों इस दिन भी ऐसे लड़ाई झगड़ा करने वाले हो क्या? हाँ, अब चुपचाप दोनों एक दूसरे को प्रसाद खिलाओ। चलो उम्मीद करती हूँ एक दिन आए जब तुम्हें एहसास हो विराट कि तुमने क्या खोया है और वादा है मेरा खुद से, ये एहसास मैं तुम्हें करा के रहूंगी। खाना जी, सही कभी मेरी फीलिंग समझ भी पाएगी या नहीं? चलो देवयानी, अब हमें चलना चाहिए। कल सुबह दही हांडी के लिए भी तो आना है। हाँ, कल तो दही हांडी है, मैं तो खूब नाचूंगी। मेरे दीवार शिवा भी है ना।